आज हम माननीय पीके दास जी से मिलने आए थे। हरियाणा में धान नहीं बिक रही है, सारी मंडियां भरी पड़ी हैं और आज दो घंटे हमारी मीटिंग चली 12 बजे से 2 बजे तक। और हमने कहा कि ये 17 मॉइस्चर की आप शर्त हटाइए, आप सीधी सैलरी वालों को खरीद दे दीजिए ताकि हमारी जल्दी भरी जाए। हमारी मांग थी कि हमारी 22 मॉइस्चर तक की खरीद ली जाए और जो मॉइस्चर कट है वो हम देने के लिए तैयार हैं। और जो 25 क्विंटल की कैप लगा दी है पर एकड़ की, उसमें हमारी मांग थी कि इसको 30 क्विंटल कर दिया जाए। और भी छोटी छोटी मांगे जो थी, जो किसानों को परेशानियां इस वक्त मंडी में आ रही हैं, सारी मंडियां भरी पड़ी हैं लेकिन कोई खरीद कहीं पे नहीं हो रही और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो पीके दास जी ने हमारी कोई बात पे तवज्जो नहीं दी है, उसको सॉल्व करने का आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए हमारी सभी किसान भाइयों से बेनती है कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे सारे रास्ते, क्योंकि सबसे उच्च अधिकारी वही थे, हमारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं। कल आप सभी लोग हर मंडी के आगे, जहां भी धान नहीं बिक रही है, हर मंडी के आगे किसान रोड जाम करें और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। कल 11 बजे पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां भी धान पड़ी है और नहीं बिक रही है,